स्वागत है आप सभी का। मैं हूं डॉक्टर विजेंद्र सिंह राठौर और आप लोग आधार आईसीएस का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास के अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में, पिछली क्लास में हम लोगों ने हर्षवर्धन या पुष्यभूति वंश जो था उसको समाप्त किया था, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने प्रकाश डाला था। आज हम लोग दक्षिण भारत का एक विशेष राजवंश है आपका राष्ट्रकूट राजवंश, इसकी बात करेंगे। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण जो पॉइंट हैं उनकी बात करेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, यहाँ से कुछ प्रश्न आपके बनते हैं जो कि कंफ्यूजन के कारण या फिर इस विषय के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर कम ध्यान देने के कारण हमारे गलत हो जाते हैं, तो वो सारी समस्याओं का निदान आपको मिलेगा आज, है ना। तो हम बात करें कि दक्षिण भारत का जो राष्ट्रकूट वंश है, पहले तो आप हेडिंग डाल लीजिए दक्षिण भारत का राष्ट्रकूट वंश, है ना। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करने के लिए विंध्याचल पर्वत और नर्मदा जो नदी है ये डिवाइडर है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से विभाजित करती है, है ना। यानी कि जो विंध्याचल पर्वत माला और नर्मदा नदी जो है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। ठीक है, तो दक्षिण भारत में जो राष्ट्रकूट थे, ये राष्ट्रकूट वंश का जो समय था ये लगभग पाल वंश जो आता है बंगाल का पाल वंश और गुर्जर प्रतिहारों का जो प्रतिहार थे उनके समकालीन ही थे ये, ना राष्ट्रकूट। और राष्ट्रकूटों के बारे में अगर हम बात करें कि जानकारी हमें कहाँ कहाँ मिलती है, तो अशोक के अभिलेखों में रठिको शब्द का उल्लेख हुआ है जो संभवतः राष्ट्रकूट का प्रतीक है, रठिको, है ना। अशोक के अभिलेखों में रठिको शब्द का उल्लेख हुआ है। सातवाहन वंश की बात करें तो इसमें नागनिका का नानाघाट अभिलेख पढ़ा था हमने, उसमें मराठियों शब्द का उल्लेख है। तो ये कुछ दक्षिण भारत के शब्दों का उल्लेख हमें मिलता है, है ना। राष्ट्रकूटों के अभिलेख में भी उनका मूल निवास स्थान का उल्लेख मिलता है। अगर हम राष्ट्रकूटों के अभिलेखों की बात करें तो इसमें भी हमें उनका मूल निवास स्थान का उल्लेख मिलता है जो कि लट्टलूर के नाम से, यानी कि आधुनिक जो लातूर है जो बीदर जिला में पड़ता है, तो लट्टलूर शब्द का उल्लेख मिलता है राष्ट्रकूटों के अभिलेखों में। ठीक है, बाद में जब एलिचपुर में इस राजवंश की स्थापना होती है। राष्ट्रकूट जो है वो जो वातापी या बादामी के जो चालुक्य थे उनके सामंत के रूप में ये काम करते थे। पहले चालुक्य वंश हम पढ़ेंगे, अभी चल रहा है आपका ये सारा जो जितना भी जो छोटे छोटे राजवंश है इनके बारे में हम आपको बताएंगे, तो चालुक्य भी आएगा वहां पर, आपको समझ में आएगा इस चीज के बारे में। तो जो वातापी के या बादामी के जो चालुक्य थे उनके सामंत के रूप में राष्ट्रकूटों ने शासन किया था। प्रारंभ में सामंत थे राष्ट्रकूट, किसके, बादामी के या वातापी के चालुक्य, पूछता है परीक्षा में, है ना। राष्ट्रकूट साम्राज्य जो था उसके संस्थापक का नाम महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा गया है सभी एग्जाम में। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है उनका नाम है दंती वर्मन या दंती दुर्ग, है ना। दंती दुर्ग, ये कौन है दंती दुर्ग, ये राष्ट्रकूटों के संस्थापक हैं और इनका नाम दंती वर्मन भी मिलता है, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होइए, दंती वर्मन या दंती दुर्ग राष्ट्रकूटों के क्या है, ये संस्थापक हैं, है ना। राष्ट्रकूट एक साम्राज्य के संस्थापक हैं, इसके पहले के जो शासक हुए होंगे जो वो सामंत के रूप में काम करते थे, है ना। इसने क्या किया, 752 ईस्वी की बात है। इस समय इसने क्या किया, इसने दंती दुर्ग था, इसने चालुक्य शासक जो कीर्ति वर्मन था, चालुक्य शासक कीर्ति वर्मन को पराजित किया और अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। ठीक है, किसको पराजित किया उन्होंने, चालुक्य को, ना। चालुक्य शासक कौन थे, चालुक्य शासक कौन थे, कीर्ति वर्मन को पराजित किया 752 ईस्वी में और स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी, राष्ट्रकूट वंश राज्य की स्थापना कर दी उन्होंने। इनकी जो राजधानी थी उसे मान्यखेत कहते हैं, राजधानी का नाम क्या है, मान्यखेत, है ना। मान्यखेत भी कहीं कहीं नाम मिलता है इसका, मान्यखेत या मालखेत भी मिलता है ना, हमको मान्यखेत अधिक याद रखना है। मान्यखेत राजधानी बनाई उन्होंने, मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाई उन्होंने। ठीक है, तो संस्थापक कौन हो गए, संस्थापक हो गए आपके
दंती दुर्ग। उज्जैन में, उज्जैनी जो था उस समय का, आज का उस समय का जो अवंती था, है ना, तो उज्जैनी में इन्होंने एक महादान यज्ञ किया हिरण गर्भ के नाम से। ठीक है, हिरण क्या काम किया इन्होंने, महत्वपूर्ण कार्य, पहले संस्थापक हो गए, कीर्ति वर्मन को हराया इन्होंने 752 ईस्वी में। उसके बाद में उज्जैनी में, कहां पर, उज्जैनी में, उज्जैनी में एक इन्होंने यज्ञ किया, महादान यज्ञ किया हिरण गर्भ के नाम से। हिरण काम का है, परीक्षा में आपकी मध्य प्रदेश पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो काम का है, मध्य प्रदेश संबंधित कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रश्न काम का है। हिरण गर्भ महादान यज्ञ किया। इस यज्ञ की विशेषता ये थी कि जो प्रतिहार शासक थे वो इस यज्ञ में, उन्होंने द्वारपाल का काम किया इनके साथ में, वो द्वारपाल का काम करते हैं। दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण गर्भ यज्ञ किया, हिरण गर्भ यज्ञ था, ये महादान यज्ञ था। इस यज्ञ में जो प्रतिहार शासक थे, प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार हम पढ़ेंगे बाद में, तो प्रतिहार राजाओं ने इस यज्ञ में द्वारपाल का काम किया था। ठीक है, दंती वर्मन या दंती दुर्ग के बाद, दंती दुर्ग के बाद उसका चाचा शासक बनता है। ठीक है, कृष्ण प्रथम चाचा है, कृष्ण प्रथम बनते हैं 756 में, 756 ईस्वी में बनते हैं। कृष्ण प्रपस्त ये चाचा है इनके, दंती दुर्ग के चाचा हैं। ठीक है, 756 ईस्वी में बनते हैं। उसने जो वातापी के चालुक्य थे, है ना, जिन्हें हम बादामी के चालुक्य भी कहते हैं, उनके अस्तित्व को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, उनको समाप्त कर दिया। ठीक है, उसके बाद में कृष्ण प्रथम ने वेंगी के चालुक्य और जो मैसूर में गंग शासक थे, है ना, कौन कौन, मैसूर के गंग शासक और वेंगी के चालुक्य, है ना, इनकी सत्ता को भी, इनको भी अपने अधीन, प्रभु सत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया, इनको भी अपने अधीन कर लिया, है ना, इन्हें पराजित कर दिया। यानी कि इन्होंने एक तो बादामी के चालुक्य को समाप्त किया, ठीक है, यानी कि किस किस को समाप्त किया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया बादामी या वातापी के चालुक्य को समाप्त किया फर्स्ट। सेकेंड क्या किया इन्होंने, सेकेंड इन्होंने किया मैसूर के गंग शासक को समाप्त किया। ठीक है, मैसूर के गंग शासक को समाप्त किया। समाप्त नहीं किया, उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया, बादामी के चालुक्य को समाप्त कर दिया। और थर्ड नंबर पे जो था आपका वेंगी के चालुक्य, है ना, चालुक्य की एक शाखा थी वेंगी के चालुक्य को भी इन्होंने अपने अधीन कर दिया। ठीक है, इनको तो समाप्त कर दिया, इनके सामंत थे ये पहले। ठीक है, प्रभु सत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया। कृष्ण प्रथम के बारे में बात करें तो वो एक योद्धा था, जो कि दिखता है कि अच्छा योद्धा था, उसने आसपास के साम्राज्य से जो भी सीमाएं लग रही थी उनको अपने अधीन कर लिया, है ना, अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। उसके अलावा उसने निर्माण के काम भी किए, है ना। यहाँ से एक प्रश्न आता है आपका, उसने जो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है, जो कि गुहा मंदिर के रूप में जाना जाता है, इस एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किया। ठीक है, तो कार्य में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या बनाया इसने एलोरा का, एलोरा महाराष्ट्र में पड़ता है, का कैलाश मंदिर की स्थापना की, इसका निर्माण करवाया। गुहा मंदिर है, गुफा से बना है, गुहा मंदिर बोलते हैं इसको, गुहा मंदिर है। ठीक है, गुहा मंदिर है ना, तो गुहा मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, नोट कर लिया। फिर कुछ शासक आए, कमजोर शासक आए, उनके बारे में जानकारी हमको ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। एक गोविंद द्वितीय आता है, उसके बाद गोविंद द्वितीय के पश्चात जो है गोविंद सेकंड के पश्चात एक शासक आता है, ताकतवर शासक आता है, जिसका नाम है ध्रुव। नेक्स्ट शासक है ध्रुव शासक आता है, इसका नाम धारा भी मिलता है, धारा वर्ष भी मिलता है। ये 780 ईस्वी में शासक बनता है, 780 ईस्वी में शासक बनता है, सत्तासीन होता है, राजपूत वंश का शासक के रूप में सत्तासीन होता है। ठीक है, इसने क्या किया, इसने पल्लव के राजा दंती वर्मन और वेंगी के जो चालुक्य थे उसके शासक विष्णुवर्धन फोर्थ, है ना,
को परास्त किया। ये दोनों के शासक जो थे दंती वर्मन और विष्णु जो थे विष्णुवर्धन फोर्थ चतुर्थ जो थे वो इसके सामने झुक गए, हार गए, है ना। और शांति समझौता किया उन्होंने किस किस के साथ किया, पल्लव शासक कौन है, दंती वर्मन ठीक है, और वेंगी के जो चालुक्य हैं, वेंगी ही लिख लेते हैं, वेंगी के चालुक्य जो हैं उसके शासक विष्णुवर्धन फोर। इन दोनों को उसने क्या किया, इन दोनों को उसने परास्त किया ठीक है, नोट कर लिए। और परास्त करने के बाद शांति समझौता किया इनके साथ में, है ना, समझौता भी कर लिया, ठीक है, समझौता कर लिया, राइट। ध्रुव के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि जो उत्तर भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जो तीन राजवंशों के शासक जो कन्नौज के लिए लड़ रहे थे उसमें भी इसने भाग लिया था, है ना। यानी कि दक्षिण ध्रुव जो है उसने उत्तर भारत पर अधिकार करने के लिए जो त्रिसत्तात्मक संघर्ष जो था उसमें उसने प्रतिभाग लिया, हिस्सा लिया, ठीक है। इसमें कौन कौन थे, जो कन्नौज के लिए संघर्ष हो रहा था, हर्षवर्धन के बाद जो कन्नौज था वो कमजोर हो गया था वहां पर, तो वहां पर वो महत्वपूर्ण तो था ही कन्नौज, क्योंकि मगध की राजधानी जो थी पाटलिपुत्र, और मगध के बाद कन्नौज का अपना चरमोत्कर्ष हम देख चुके हैं पिछली क्लास में। तो कन्नौज के लिए त्रिसंघर्ष हो रहा था, यानी कि दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट वंश हो गए, पश्चिम के प्रतिहार वंश हो गए, है ना, और इधर बंगाल के पाल वंश हो गए। तो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच त्रिसत्तात्मक संघर्ष जो छिड़ा था वो कन्नौज के लिए था, और उसके में इसने भाग लिया, दृढ़तापूर्वक हस्तक्षेप किया। प्रतिहार शासक जो थे वो वत्सराज थे, और पाल शासक जो थे धर्मपाल थे। तो प्रतिहार शासक वत्सराज को और पाल शासक धर्मपाल को जो ध्रुव था उसने क्या किया, पराजित किया, ठीक है। किस किस को पराजित किया इसने, ध्रुव ने त्रिसत्तात्मक जो संघर्ष चल रहा था कन्नौज के लिए, किसके चल रहा था, कन्नौज पर अधिपत्य स्थापित करने के लिए, तो ध्रुव ने प्रतिहार शासक वत्सराज और बंगाल के पाल शासक जो थे धर्मपाल, इन दोनों को उसने पराजित किया। ये त्रिसत्तात्मक संघर्ष जो है हम आपको विस्तार से समझाएंगे, है ना, राजपूत जब हम पढ़ेंगे उसमें बढ़िया से बताएंगे आपको। उसने क्या किया, है ना, उत्तर के जो सारे अभियान विजय जो उसने अभियान जो चलाए थे उसके बाद उसने, है ना, वो उत्तर तक जब वो पहुंचा तो उसने गंगा और यमुना को देखा, है ना, इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने राज चिन्ह में गंगा और यमुना के प्रतीक के रूप में गंगा यमुना के प्रतीक को अंकित करवाया राज चिन्ह में, उसके राजकीय चिन्ह में गंगा और यमुना का प्रतीक जो रूप था उसको अंकित करवाया, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात है ये, गंगा यमुना के प्रतीकों को किसने अपने राजकीय चिन्हों में अंकित करवाया था, तो हम बोलेंगे ध्रुव ने, हाँ। उसके बाद मालवा और गुजरात पर कब्जा करने के लिए राष्ट्रकूटों ने, जो ध्रुव था उसने प्रतिहारों से भी युद्ध किया, ठीक है। ध्रुव जो था वो उसके ध्रुव के समाप्त होने के बाद, ध्रुव के मर जाने के बाद उसने अपने जो तीसरे नंबर का योग्य पुत्र था गोविंद थर्ड के पक्ष में अपना सिंहासन छोड़ दिया क्योंकि वो योग्य था, है ना। तो ध्रुव अपने अंतिम समय से पहले गोविंद थर्ड के लिए अपना सिंहासन छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट शासक आते हैं गोविंद थर्ड का जो समय है वो है 793 से लेकर 814 ईस्वी तक के शासन करते हैं, 793 से लेकर 814 तक शासन करते हैं गोविंद तृतीय, ठीक है। गोविंद तृतीय के बारे में हमने एक बात और सुनी थी कि इनका एक अभिलेख है, कौन सा है, संजन ताम्रपत्र, पढ़ा था ना दोस्त जब गुप्त काल पढ़ रहे थे संजन, है ना, और काम भी अभिलेख पढ़े थे हमने। तो संजन ताम्रपत्र जो है, संजन अभिलेख जो है गोविंद तृतीय का है, इसमें वो बताते हैं कि हिमालय तक सैनिक अभियान किया है उन्होंने। संजन ताम्रपत्र में
वो बताते हैं कि वो हिमालय तक अपना सैनिक अभियान करते हैं और मालवा कौशल कलिंग है ना को जीतते हैं, वो मालवा कौशल कलिंग है ना को जीतते हैं, है ना। तो किस किस को कौन से अभिलेख मिलता है? संजन ताम्रपत्र में उल्लेख है। क्या उल्लेख है संजन ताम्रपत्र में? कि उन्होंने हिमालय तक अभियान किया और विजय प्राप्त की। कहां कहां पर? मालवा पर, कौशल पर, मालवा कौशल पर, कलिंग पर क्या करते हैं? विजय प्राप्त करते हैं, ठीक है। इनको जीतता है। गोविंद तृतीय इतना शक्तिशाली और ताकतवर था कि उसके विरुद्ध पल्लव पांड्य केरल के शासक गंग शासक जो थे उन्होंने एक संघ बनाया था उसके खिलाफ, है ना। तो उस संघ को भी गोविंद तृतीय क्या कर देता है? समाप्त कर देता है, उस संघ को भी हराता है। तो एक संघ बनाया गया था गोविंद तृतीय के लिए, उसको हराने के लिए, पराजित करने के लिए। कौन कौन शासक थे इसमें? पल्लव थे, पांड्य थे, केरल थे, है ना, और गंग राजा थे। तो पल्लव पांड्य केरल और गंग राजाओं के द्वारा बनाया गया जो संघ था उसको भी गोविंद तृतीय समाप्त कर देता है, ठीक है। तो गोविंद तृतीय जो है वो राष्ट्रकूट शासकों में अपने आप को क्या करते हैं? अपने अपने साहस के लिए, अपनी कूटनीतिकता के लिए, है ना, और उसमें जो सेना का जो संचालन करने वाले जो गुण थे, है ना, उसी सभी गुणों के कारण, है ना, उसे सर्वश्रेष्ठ शासक मानते हैं हम। किसका? राष्ट्रकूटों का। क्योंकि इसी के समय में राष्ट्रकूट जो शक्ति थी, राष्ट्रकूट जो शासन था वो चरमोत्कर्ष काल था। राष्ट्रकूट शक्ति का चरमोत्कर्ष सबसे अच्छा समय था। किसके समय? गोविंद तृतीय के समय, ठीक है। क्या काम किया इसने? और इसने पाल शासक धर्मपाल और प्रतिहार शासक जो उस समय थे नागभट्ट सेकेंड को भी हराया, है ना। त्रिपक्षीय संघर्ष वाले हैं ये, पाल शासक धर्मपाल और कौन है? प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। प्रतिहार शासक से उसने मालवा छीना, ठीक है। मालवा जो प्रतिहार शासक थे उससे उन्होंने मालवा को छीना और अपने एक अधिकारी उपेंद्र के सुपुर्द कर दिया। उपेंद्र ना, ये जो उपेंद्र है ये परमार वंश का है, बाद में परमार वंश आएगा यहाँ पर ना मालवा में। तो परमार वंश के उपेंद्र को दे दिया उसने, ठीक है। किससे छीना? प्रतिहार शासकों से मालवा छीन लिया और उपेंद्र को दे दिया जो कि परमार वंश का था, ठीक है। इसके बाद इसका अल्पवयस्क गोविंद का एक अल्पवयस्क उत्तराधिकारी बनता है। काम का है ये भी अपना, गोविंद तृतीय का जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी बनता है जो कि अल्पवयस्क है उसका नाम है अमोघवर्ष। 87 होते हैं। अमोघवर्ष का समय है 814 ईस्वी से लेकर 876 ईस्वी तक, 814-876 ईस्वी तक, ठीक है। और ये अल्पवयस्क है इसलिए कर्क के संरक्षण में रहते हैं। तो इनका जो संरक्षक बनाया गया है वो कर्क को बनाया गया है। कर्क क्या है? इनके संरक्षक के रूप में रहते हैं, संरक्षण, इनका संरक्षण में, कर्क के संरक्षण में ये शासन करते हैं, ठीक है। चलिए, अमोघवर्ष जो है वो भी सैनिक, उनमें सैनिक गुण है, ठीक है। सैनिक उत्साह है उनके अंदर, है ना, सैनिक उत्साह तो है लेकिन उसका जो अपने पूर्ववर्ती शासक हैं यानी कि जो पिता है उनकी तुलना में उनका उनके अंदर सैनिक भावनाओं का अभाव है, ठीक है। उसमें कमी है, उनके अंदर युद्ध कौशल में कमी है क्योंकि वो अभी अल्पवयस्क हैं, है ना। लेकिन क्योंकि वो संरक्षण में काम कर रहे हैं तो उनका जो ध्यान है, रुझान है, वो धर्म और साहित्य की ओर अधिक है। इनकी धर्म से जुड़े काम और साहित्य से जुड़े हुए काम अमोघवर्ष अधिक करते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति साहित्य से जुड़ा हो, उसका इंटरेस्ट साहित्य में है या धर्म में है तो उससे संबंधित लोगों में भी उनका विश्वास होगा। तो अमोघवर्ष के संरक्षण में या उनके दरबार में, ठीक है, अनेक लोग रहते हैं जो कि साहित्य से जुड़े हुए काम करेंगे। वे स्वयं क्या बोलते हैं, काव्य ग्रंथ की रचना करते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उसने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ लिखा है। तो अमोघवर्ष की पुस्तक है, उसका नाम आपको याद करना है, कविराज मार्ग। कविराज मार्ग कन्नड़ भाषा में है ये,
कन्नड़ भाषा में हूँ। कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ की रचना करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो विद्या और कला के उदार संरक्षक हैं, है ना, और स्वयं भी कविराज मार्ग नाम से कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ की रचना करते हैं, ठीक है। उसके राज्यसभा में अनेक विद्वान निवास करते हैं, कौन कौन नाम निवास करते हैं उनके नाम महत्वपूर्ण हैं, और ये भी पूछ लेता है कि ये कहाँ रहते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें जिनसेन, है ना, जिनसेन, तो जिनसेन किसके दरबार में रहते हैं, जिनसेन जो है वो अमोघ वर्ष के दरबार में रहते हैं। इनकी रचना का नाम है आदि पुराण, आदि पुराण, तो जिनसेन इनके दरबार में रहते हैं जिनकी रचना है आदि पुराण, ठीक है। और महावीराचार्य रहते हैं, महावीराचार्य रहते हैं, महावीराचार्य जिनकी रचना है गणित सार संग्रह, क्या रचना है, गणित, गणित सार संग्रह, ठीक है। तो जिनसेन रहते हैं, महावीराचार्य रहते हैं, स्वयंभू रहते हैं, है ना, स्वयंभू ये प्रमुख हैं, ठीक है, स्वयंभू रहते हैं, ये क्या है, ये लोग प्रमुख हैं, ठीक है। संजन ताम्रपत्र में उल्लेख मिलता है, क्या मिलता है, कि अमोघ वर्ष ने गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका नाम हमको शशांक मिलता है उसमें, है ना, से भी महान है ना। संजन ताम्रपत्र में मिलता है कि अमोघ वर्ष गुप्त सम्राट शशांक, जिनका अर्थ है चंद्रगुप्त सेकेंड विक्रमादित्य, से भी महान कहता है, ठीक है, यानी कि वह विद्या के लिए, दान के लिए और पुरस्कार देने में वो उनसे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य से भी बढ़कर हैं, ठीक है। जो अमोघ वर्ष था वो जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म का पोषक था, ठीक है, जैन धर्म को मानता था, जैन मतानुयायी होते हुए भी, होने के बाद भी उसने हिंदू देवी देवताओं के सम्मान के लिए भी कार्य किए, ठीक है। महालक्ष्मी का वो भक्त था, ठीक है। संजन ताम्रपत्र से ही हमें जानकारी मिलती है कि उसने एक अवसर पर देवी को अपने बाएं हाथ की उंगली चढ़ा दी थी, एक देवी, एक अवसर था, एक यज्ञ हो रहा था, उसमें उसने देवी को अपने बाएं हाथ की उंगली जो थी वो चढ़ा दी थी, है ना, और इसीलिए इसकी तुलना जो है हम शिव दधीची जैसे पुराणिक व्यक्तियों से भी करते हैं, जो शिव दधीची था उसने भी ऐसा काम किया था, तो उससे हम उसकी तुलना भी कर लेते हैं, ठीक है, पुराणिक व्यक्तियों से भी इसकी तुलना की जाती है, ठीक है। महत्वपूर्ण बात है, जो अमोघ वर्ष था उसने मान्यखेत, मान्यखेत नामक एक नगर बसाया, तो अमोघ वर्ष ने क्या किया, मान्यखेत नामक एक नगर बसाया, मान्यखेत नाम से एक नगर बसाया उसने, मान्यखेत, ठीक है, जो बाद में इसकी राजधानी बनी, ठीक है, और अपनी राजधानी को वहां शिफ्ट कर दिया उसने, मान्यखेत या मालखेत भी बोलते हैं, है ना, नामक एक नगर बसाया और अपनी राजधानी के रूप में उसको पुनर्स्थापित करवाया, राजधानी परिवर्तित की, तो मान्यखेत क्या बन गई, राष्ट्रकूटों की राजधानी, किसने बनवाई, अमोघ वर्ष ने बनाई, ठीक है। इसके शासनकाल में बहुत सारे विद्रोह भी हुए थे, है ना, ठीक है। आगे हम बात करें, नेक्स्ट शासक जो राष्ट्रकूटों का सर्वश्रेष्ठ शासक है नेक्स्ट, उसका नाम है इंद्र तृतीय। दो शासक आते हैं, इंद्र आता है इंद्र थर्ड और कृष्ण थर्ड आता है ना, तो पहले हम इंद्र तृतीय की बात करते हैं, इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय का समय है 915 से लेकर 927 ईस्वी तक है, 915 से लेकर 927 ईस्वी इसका समय है, ठीक है। क्या किया इसने, इंद्र तृतीय ने क्या किया, ठीक है, इंद्र तृतीय ने भारत भ्रमण पर आए, इनके समय में जो भारत भ्रमण पर आया था ना, कौन अरबिया किया था, अलमसूदी, है ना, इंद्र तृतीय के समय भारत भ्रमण पर अरब यात्री अलमसूदी आए थे, है ना, अलमसूदी आए थे, ठीक है। इनके अनुसार अलमसूदी कहते हैं कि राष्ट्रकूट राजा बलहारा या बल्ब राज भारत का सर्वश्रेष्ठ राजा है, ये इंद्र तृतीय की बात करते हैं, है ना, बलहारा जो है भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक है, ठीक है। तो इंद्र तृतीय के समय में अलमसूदी आया, ठीक है, इसने प्रतिहार शासक महिपाल और कन्नौज की लूट के बाद इंद्र तृतीय ने क्या किया, अपने समय का मतलब इसने प्रतिहार शासक जो थे महिपाल को हराया, है ना,
और कन्नौज को भी लूटा, और इतना सब लूटने के बाद जो इंद्रदित्य था वो शक्तिशाली शासक हो गया था, इसीलिए अलमसुद्दीन भी कहते हैं कि वो भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, कृष्ण आते हैं कृष्ण द्वितीय, नेक्स्ट शासक आते हैं कृष्ण थर्ड। कृष्ण थर्ड का जो समय है 939 से लेकर 965 ईस्वी तक है, 939 से लेकर 965 ईस्वी तक कृष्ण द्वितीय का शासन साम्राज्य है, 939 से लेकर 965 ईस्वी तक है। ठीक है, इन्होंने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की थी, जब इनका राज्य से राज्य अभिषेक हुआ तो इन्होंने अकाल वर्ष की उपाधि धारण की। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, कांची और तंजोर पर विजय प्राप्त की, इसीलिए इन्होंने कांची को जीता, और तंजेयम कोंड की उपाधि धारण करी, कांचीयुम तंजय कोंड, ये पूरा एक लाइन में है। ठीक है, कांचीयुम तंजय कोंड, कोंड का अर्थ होता है विजेता, है ना, तो इन्होंने कांची को जीता और तंजोर को जीता, इसीलिए इन्हें कांचीयुम तंजयम कोंड की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है, इनका चोल शासक परांतक फर्स्ट से युद्ध होता है, कृष्ण से थर्ड का चोल शासक परांतक प्रथम से युद्ध होता है, और इसमें परांतक प्रथम पराजित होते हैं। ठीक है, कौन, चोल शासक, चोल राष्ट्रकूटों से भी शासन करते हैं ना, तो परांतक प्रथम से युद्ध होता है जिसमें परांतक प्रथम पराजित होते हैं, और इनका जो उत्तरी भाग है चोलों का जो उत्तरी भाग है आता है वहां तक इनका हस्तक्षेप हो जाता है राष्ट्रकूटों का। ठीक है, यानी कि दक्षिण में अगर हम बात करें कृष्ण तृतीय के समय में, तो राष्ट्रकूटों की सेनाएं रामेश्वरम तक पहुंच जाती हैं। ठीक है, रामेश्वरम तक पहुंच जाती हैं, और वहां उसने एक विजय स्तंभ बनाया है रामेश्वरम में, और एक मंदिर का भी निर्माण कराया है, ऐसा हमें इतिहास में मिलता है कि कृष्ण तृतीय के समय रामेश्वरम तक उनकी सीमा पहुंच गई, सेनाएं पहुंच जाती हैं, और वहां पर इन्होंने क्या किया, एक विजय स्तंभ बनवाया है और मंदिर का भी निर्माण कृष्ण तृतीय करवाते हैं। ठीक है, कृष्ण तृतीय अपने जो पड़ोसी राज्य हैं उनके साथ भी युद्ध नीति अपनाते हैं, इसीलिए वो सारे के सारे क्या हो गए, उनके विरोधी बन गए। ठीक है, और जब कृष्ण तृतीय समाप्त हो जाते हैं, उनके उत्तराधिकारी आते हैं, तो सब पीछे पड़ जाते हैं राष्ट्रकूटों के, कृष्ण तृतीय के उत्तराधिकारी जो हैं उनके सामने बहुत सारी समस्याएं सामने खड़ी हो जाती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, कृष्ण तृतीय ने रामेश्वरम में क्या किया, कृष्णेश्वर और गंड मार्तंडादित्य के मंदिर बनवाए थे, किन किन के, रामेश्वरम में कृष्णेश्वर, हम कृष्ण तृतीय पढ़ रहे हैं ना, कृष्ण स्थल पढ़ रहे हैं, कृष्णेश्वर का मंदिर बनवाया उसने, कृष्णेश्वर का मंदिर बनवाया, और एक और कौन सा बनवाया, गंड मार्तंडादित्य के मंदिर बनवाए, कहाँ बनवाए, रामेश्वरम में। ठीक है, अच्छा, इनके दरबार में पौन रहते हैं, पौन एक कवि है, कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध कवि है, पौन निवास करते हैं, कौन निवास करते हैं, ये तो दो मंदिर बनवा दिए उन्होंने रामेश्वरम में, है ना, इनके दरबार में पौन रहते हैं, पौन जो है वो क्या है, इन्होंने शांति पुराण की रचना की है, पौन ने शांति पुराण के लेखक हैं और कन्नड़ भाषा के कवि हैं, है ना, शांति पुराण की रचना की है। ठीक है, कन्नड़ भाषा के कवि हैं, ये कन्नड़ भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, क्लियर, नोट कर लिया। जब कृष्ण तृतीय की मृत्यु हो जाती है तो जो उनके उत्तराधिकारी हैं वो आपस में सब दुर्बल भी हैं, कमजोर हैं, आपस में लड़ते हैं, गृह युद्ध हो जाता है। ठीक है, और इसी गृह युद्ध का फायदा उठाते हैं कौन, मालवा के परमार, और मालवा के जो परमार जो इनके सामंत के रूप में काम कर रहे थे, ठीक है, वो स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर देते हैं, पहले ये क्या थे, मालवा के परमार राष्ट्रकूटों के सामंत थे, तो मध्य प्रदेश
कि जो एग्जाम से उसमें प्रश्न आ सकता है कि जो मालवा के परमार थे वो किसके संबंध थे, तो हम बोलेंगे राष्ट्रकूटों के संबंध थे ना। तो इनके बीच में जो इनके उत्तराधिकारी हैं वो कमजोर हैं, और कमजोर उत्तराधिकारी का फायदा उठाकर, क्योंकि वो आपस में ही लड़ रहे हैं सत्ता हासिल होने के लिए, तो कमजोर उत्तराधिकारी का फायदा उठाकर, लाभ उठाकर मालवा की जो परमार हैं वो क्या करते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं और स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर देते हैं। मालवा में परमारों का साम्राज्य प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, बाद में हम बात करें तो परमार शासक जो सीयक थे, है ना, सीयक ने राष्ट्रकूट राज्य पर आक्रमण भी किया था, राष्ट्रकूटों पर आक्रमण भी किया था, लगभग 972-73 ईस्वी की बात है। परमार राजा सीयक ने राष्ट्रकूट राज्य पर आक्रमण किया, ठीक है, और जो उनकी राजधानी थी ना मानिकहित, खूब लूटपाट करी वहां पर, खूब लूटा उसको। ठीक है, आगे हम बात करते हैं राष्ट्रकूटों में 974-75 में चालुक्य जो राजा था, तेलप या तेल भी बोलते हैं इसको, तेल भी बोलते हैं, तेलप, तेलप द्वितीय ने राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक था कर्क सेकेंड, है ना, कब की बात है, 974-75 में, 1974-75 में, है ना, कौन, चालुक्य शासक तेलप सेकेंड, इसको तेल भी बोलते हैं ना, तेल, तेल भी बोलते हैं, तो तेलप सेकेंड ने राष्ट्रकूट वंश का जो शासक थे कर्क, कर्क है ना सेकेंड, तेलप द्वितीय, ठीक है, कर्क द्वितीय, कोई दिक्कत नहीं है, कर्क सेकेंड, ये कर्क सेकेंड कौन है, ये राष्ट्रकूट शासक है ना, कर्क सेकेंड को परास्त कर दिया, हरा दिया और राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया। तो राष्ट्रकूट राज्य पर क्या हो गया, अधिकार हो गया। ठीक है, क्लियर, यहां पर क्या बनाया इसने, इसने कल्याणी के चालुक्य राज्य वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, यानी कि पहले ये राष्ट्रकूट वंश था जो वातापी के चालुक्यों का साम्राज्य था, और बाद में फिर क्या बन गया, ये कल्याणी के चालुक्यों का कब्जा हो गया यहां पर। ठीक है, तो वातापी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य के बीच में राष्ट्रकूट आ गया। ठीक है, राष्ट्रकूटों पर कब्जा कर लिया कल्याणी के चालुक्यों ने, किसने कर लिया, तेल सेकंड। क्लियर, राष्ट्रकूटों में एक महत्वपूर्ण बात यहां पर है कि इन्होंने क्या किया, एलोरा और एलिफेंटा के जो गुफा मंदिर हैं वो राष्ट्रकूटों ने बनवाए हैं, काम की बात कर लेते हैं। ठीक है, बाद में कौन, राष्ट्रकूटों ने क्या बनवाए हैं, एलोरा और एलिफेंटा की जो गुहा मंदिर हैं, एलोरा और एलिफेंटा के जो गुहा मंदिर हैं उनका निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ है, राष्ट्रकूट के समय हुआ है। एलोरा की बात करते हैं तो एलोरा की जो गुफा है, एलोरा की गुफा में कितनी गुफाएं हैं, देखो एलोरा की जो गुफा है वो, पहली बात तो यहाँ से जो प्रश्न पूछता है कि एलोरा की गुफा के बारे में, तो यहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म तीनों की हमको मूर्तियाँ मिलती हैं। ठीक है, तीनों की गुफाएं हैं यहाँ पे, जैन धर्म को मानने वालों की, बौद्ध धर्म की और हिंदुओं की। तो एलोरा की जो गुफा है, जो 10 चैत्यग्रह भी हैं इसमें, ठीक है, तो इसमें 1 से लेकर 12 तक जो गुफा है वो बौद्ध धर्म को समर्पित है। ठीक है, एलोरा की गुफा की बात करें तो 1 से लेकर 12 तक की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म संबंधित है। 13 से लेकर 29 तक की जो गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म को समर्पित है। क्रम भी आपको याद रखना है, अगर आप नेट वेट की तैयारी कर रहे हैं तो पूछ लेगा, है ना, बौद्ध हिंदू फिर जैन आएगा। ठीक है, और 30 से लेकर 34 तक, है ना, 30 से लेकर 34 तक जो है, 30 से लेकर 34 तक जैन धर्म को समर्पित है। तो एलोरा की जो गुफाएं हैं वो तीनों धर्मों के बारे में हमें बताती है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो 10 चैत्यग्रह के बारे में बताया था हमने ना, 10 चैत्य ग्रह भी हैं, जो 10 चैत्य ग्रह हैं ये विश्वकर्मा को समर्पित है, है ना, विश्वकर्मा को समर्पित है। ठीक है, 10 चैत्य ग्रह विश्वकर्मा को समर्पित है। एलिफेंटा की गुफा की बात करें ना, यानी कि जो एलोरा वाला है उससे आपको प्रश्न यही बनेगा कि ये किस धर्म से संबंधित है, तो हम बोलेंगे हिंदू, जैन, है ना, बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों से
से संबंधित है, तीनों से समर्पित है ना, उपरोक्त सभी आ जाएगा इसमें। ठीक है, एलिफेंटा की गुफा की बात करते हैं तो पौराणिक देवताओं की इन्होंने भव्य मूर्ति बनाई, जो पौराणिक देवता थे उनकी इन्होंने भव्य मूर्तियां बनवाई हैं इसमें एलिफेंटा की गुफा में, है ना। यानी कि हमें यहाँ पर अगर जो मूर्तियां मिलती हैं वो पौराणिक देवताओं की मिलती हैं, ठीक है, भव्य मूर्तियां मिलती हैं। सबसे प्रसिद्ध जो मूर्ति है, सर्वाधिक जो लोकप्रिय मूर्ति हुई है, वो उसमें त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति है। यहाँ पर त्रिमूर्ति शिव की जो मूर्ति है वो सबसे भव्य है यहाँ पे एलिफेंटा में, ठीक है। त्रिमूर्ति शिव की जो मूर्ति है सर्वाधिक लोकप्रिय है। एलोरा की जो गुफाएं हैं, एलोरा की जो गुफा है उसका सर्वप्रथम उल्लेख जो किया था वो फ्रांसीसी यात्री थेबिनेट ने किया था 17वीं शताब्दी में, है ना, एक आम की बात है। तो एलोरा की गुफा का सर्वप्रथम उल्लेख, एलोरा की गुफा का सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेबिनेट ने किया था। थेबिनेट ने किया था, कौन था ये? फ्रांसीसी यात्री था, फ्रांसीसी यात्री था थेबिनेट ने किया था 17वीं शताब्दी में। मतलब क्या था? 17वीं शताब्दी में किया था, ठीक है, क्लियर। तो राष्ट्रकूट जो शासक थे वो सेव धर्म को मानते थे, वैष्णव धर्म को मानते थे, शाक्त को मानते थे, शाक्त यानी कि शक्ति को मानते थे, ठीक है। उन्होंने वो जैन धर्म के भी उपासक थे, जैसे अमोक वर्ष हो गए। उसके अलावा राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने, ठीक है, और इस्लाम का प्रचार करने की भी स्वीकृति दी थी, ठीक है। यानी कि काम की बात है कि जो मुसलमान व्यापारी हैं उनको भी बसने की और उनको इस्लाम का प्रचार करने की भी स्वीकृति उन्होंने दी थी, ठीक है। तो ये हो गया आपका राष्ट्रकूट राजवंश, राष्ट्रकूट वंश हो गया। काम काम की बातें सारी आपको बता दी गई हैं, ठीक है, काम काम की बातें सारी बता दी गई हैं यहाँ पे आपको, है ना। महत्वपूर्ण बात यह है, यहाँ पर एक और बात छूट गई है कि अमोघ वर्ष जो था वो उसका अंत कैसे होता है, तो वो जल समाधि लेता है अमोघ वर्ष, है ना। अमोघ वर्ष जल समाधि लेता है तुंगभद्रा नदी में कूद कर, तुंगभद्रा नदी में वो जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत करते हैं, ठीक है। तुंगभद्रा नदी में समाधि, जल समाधि लेते हैं और अपने जीवन का अंत करते हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्रकूट वंश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम अगले वंश को लेकर आएंगे, जो राजवंश को लेकर आएंगे। दक्षिण भारत के भी कुछ राजवंश हैं, राजपूत राजवंश, राजपूतों को भी हमको प्रारंभ करना है। राजपूत बहुत बड़ा है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगली क्लास में मिलेंगे आपसे, तब तक के हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत